तो मनोज कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने भेजा है और 2 दिन में अब दिल्ली पुलिस उनसे तमाम पूछताछ करेगी। वैसे अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को 2014 में हुए जमीन सौदे में धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया था। विजय कुमार नाम के शख्स ने दिल्ली के न्यू अशोक नगर में मनोज कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने आज कार्रवाई की है और बिना नोटिस दिए हालांकि मनोज कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आम आदमी पार्टी भी लगातार सवाल उठा रही है। विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह के ईमानदार विधायक आम आदमी पार्टी के हैं तो फिर उनके दावों का और वादों का क्या होगा। यहाँ निशाना साफ तौर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल और दिल्ली सरकार है, क्योंकि एक और विधायक आम आदमी पार्टी के फंसते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला जमीन की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। न्यू अशोकनगर थाने में 19 मई 2014 को ये शिकायत दी गई थी, जिसमें धोखाधड़ी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। मनोज कुमार तब फेज 3 मयूर विहार में प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करते थे। मनोज और लखपत जो उनके पार्टनर थे, उन्होंने विजय कुमार को 46 गज का प्लॉट दिखाया। प्लॉट का पता 82/16 राजवीर कॉलोनी गांव घड़ौली माजरा दिल्ली का है। इस प्लॉट को मनोज ने अपना बताया था और बेचने की इच्छा भी जाहिर की। मनोज मयूर विहार फेज 3 के ऑफिस सपना एस्टेट पर जमीन के सौदे के लिए विजय से डील कर रहे थे। प्लॉट का सौदा 21,60,000 रुपए में तय किया गया, जिसमें से 7,11,200 2012 को ये पूरा डील के तौर पर टोकन के तौर पर उस वक्त 6 लाख रुपए दे दिए गए। मनोज कुमार ने भरोसा दिलाया था कि वो प्रॉपर्टी के खुद मालिक हैं और बतौर गवाह कुमार पाल सिंह मकान नंबर B51 न्यू अशोक नगर को गवाह बनाया गया था। लखपत के जो पुत्र हैं उनको भी यहां पर गवाह बनाया गया। उनके दस्तखत रजिस्ट्री के बहाने मनोज कुमार ने रजिस्ट्री नहीं की थी और इस पर लगातार वो बहानेबाजी करते रहे। रजिस्ट्री का दबाव भी बनाने लगे मनोज, तो ओ जब रजिस्ट्री का दबाव बनाने लगे तब मनोज ने ये भी कहा जा रहा है कि धमकी भी दी। और जिस जमीन का सौदा हुआ था उसके असल मालिक ML सिंह राजवीर कॉलोनी में रहते हैं। ये जो पूरा फर्जीवाड़े का मामला है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ML सिंह ने प्लॉट मनोज कुमार को कभी बेचा ही नहीं था और यही प्लॉट मनोज कुमार विजय को बेचना चाह रहे थे। प्लॉट से मनोज का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये प्लॉट बेचने की कोशिश की। अब IPCC की 4 धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है और 2 दिन की पुलिस रिमांड पर मनोज कुमार को भेज दिया गया है। तो ये तो हुई आपके एक विधायक मनोज कुमार की बात। अब एक और जहां पर आपके विधायक मनोज कुमार पर आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और विधायक है वंदना कुमारी, जिन पर इलाके में दबंगई का आरोप लगा है। शालीमार बाग थाना एरिया में स्कूल प्रिंसिपल से विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पति ने बदतमीजी की। यह है शालीमार बाग से आप विधायक वंदना कुमारी डिप्टी स्पीकर के पति सज्जन कुमार। इन पर आरोप है स्कूल प्रिंसिपल को धमकाने का। शालीमार बाग BT ब्लॉक के सर्वोदय विद्यालय के प्रिंसिपल रणजीत कुमार के पास सज्जन कुमार विधायक पति का फोन गया कि उन्होंने 10वीं के एक बच्चे का दाखिला क्यों नहीं किया। जब प्रिंसिपल ने कहा कि ऑफिस आकर बात करो, तो विधायक पति गुस्से में आ गए और कहा वो खुद वहाँ आएंगे। नमस्कार, मैं सज्जन बोल रहा हूँ, शालीमार MLA ऑफिस से। हाँ जी, सज्जन बोल रहा हूँ, शालीमार बाग MLA ऑफिस से। हाँ जी सर, यहाँ का रंजीत मिश्रा गया था देखने के लिए। निखिल मिश्रा, निखिल मिश्रा है जी, निखिल मिश्रा गया था शालीमार गांव से एडमिशन के लिए। आपने बुलाया था 7 तारीख को, उसको लेटर भी दिया गया था, फिर बाद में उसको बात करिए प्लीज, यहाँ आगे बात करिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? फिर मैं आपके आऊंगा वहाँ बात करने के लिए। मैं आऊंगा आपसे बात करने के लिए, आप मेरा डायरेक्टर लग रहा है। हाँ डायरेक्टर हुई है आपका, ऐसा है आप उनके डायरेक्टर होंगे, मेरे नहीं है। प्लीज यहाँ जिसको बात करनी है आपके पास। हेलो हेलो, इसके बाद वंदना कुमारी डिप्टी स्पीकर के पति सज्जन कुमार स्कूल आए और प्रिंसिपल ऑफिस आकर प्रिंसिपल से बदतमीजी की। प्रिंसिपल का आरोप है कि उनकी एक नहीं सुनी। वंदना कुमारी डिप्टी स्पीकर के पति सज्जन कुमार के साथ एक वॉलंटियर संजय मिश्रा भी थे। वो लगातार बोलते रहे
और उन्हें वीआरएस लेकर राजनीति में आने की बात तक कह दी। प्रिंसिपल ऑफिस में स्कूल स्टाफ स्टिंग कर रहा था और ये सब कैमरे में कैद हो गया। अब विभागीय हवाला देकर प्रिंसिपल साहब मना कर रहे हैं और हाथ जोड़कर साफ मना कर रहे थे कि उनके पास कोई स्टिंग नहीं है। आप सरकार का खौफ इन पर साफ नजर आ रहा है। मेरे पास होती अभी आपसे पहले आज तक पहले मेरे पास आ गई, ठीक है। IBN 7 वाले मेरे पास आ गए, हम लोग यहीं खड़े हैं। एक सेकंड, मेरे पास बात हो रही है आपकी सब। नहीं नहीं, मेरे पास पर्सनली एक लड़का आ चुका है और मेरे पुराने कैमरा होना ही है। कौन आप कलर के दिखा दो, इनको दिखा दो, पुराने पुराने मेरे साथी। लेकिन स्थानीय विधायक वंदना कुमारी और उनके पति का प्रिंसिपल पर बदतमीजी और पैसे लेकर एडमिशन करने का आरोप है। साथ ही कहना है कि प्रिंसिपल के खिलाफ उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कंप्लेन आई थी, लेकिन फिर भी मैंने दो दो तीन तीन बार उनको समझाया था और कल तो हद ही हो गई। बार बार उन्होंने डिप्टी स्पीकर को गाली दी, बार बार उन्होंने कहा कौन होती है वंदना, क्या कर लेगी मेरा, इस तरह का मिसबिहेव उन्होंने किया। तो अगर रंजीत जी को राजनीति करने का ही इतना ही शौक है तो वो प्रिंसिपल की नौकरी छोड़ दे और राजनीति करे। मैंने नंबर दिया, मैंने प्रिंसिपल साहब को फोन किया। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैंने कहा ऐसे मैं बोल रहा हूँ, वंदना कुमारी का हस्बैंड बोल रहा हूँ, वंदना जी डिप्टी स्पीकर जो है वो आपसे बात करना चाहती है एडमिशन के सिलसिले में। तो बोले कौन होती है वंदना कुमारी, कौन डिप्टी स्पीकर होता है, हमारा कोई बॉस लगी है क्या, है ना, जिसका होगा मैं नहीं लूँगा। उसके बाद में मैं ये बात बोला और फोन काट दिया। फिर फोन मिलाता रहा, वो नहीं फोन उठाया। फिर मैंने और जो वहाँ स्कूल के अंदर जो मेंबर डाला हुआ है संजय जी को लेकर मैं स्कूल में गया और बच्चे और पेरेंट्स दोनों को लेकर गया वहाँ पर। अब वंदना कुमारी डिप्टी स्पीकर उनके पति सचिन कुमार लाख सफाई दें, पर वीडियो और ऑडियो में आए उनके लहजे से साफ है कि आपके विधायक उनके ऑफिस में लोग लगातार कानून की सीमाएं लांघ रहे हैं। प्रिंसिपल साहब ने सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री और SC ST आयोग में शिकायत की है और पुलिसिया शिकायत के लिए अनुमति मांगी। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, यहाँ रुक रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए।